वीगन चिली चिकन बनाने के लिए बोल में एक कप सोय चंक्स लेंगे और 1.5 कप गर्म पानी में सोख होने रख देंगे। या फिर आप सोय चंक्स को पानी में सॉफ्ट होने तक बॉईल भी कर सकते हैं। जब सोय चंक्स अच्छे से पक जाएं, तब उन्हें कपड़े में निकाल लें और ठंडे पानी से धो लें। अब सोय चंक्स को अच्छे से निचोड़ लें और सारा पानी निकाल लें। मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट कर लिया है। अब इसमें चंक्स को 20 मिनट तक के लिए गोल्डन होने तक बेक करेंगे। जब तक सोय चंक्स रेडी हो रहे हैं, तब तक हम चिली चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन को मीडियम हीट पर गरम कर लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। जब तेल गरम हो जाए, तब उसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा अदरक डाल लेंगे। दोनों चीजों को 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे और फिर उसमें 1 कप कटा प्याज और 1 कप कटी शिमला मिर्च डाल लेंगे। आप तीखा खाते हो तो बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए अब इसमें मैं 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। सब चीजों को 1 मिनट तक के लिए एक साथ भून लें। ध्यान रहे कि सब्जी पूरी तरह से गले नहीं, थोड़ी क्रंची ही रहे। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल रही हूँ, 1 चम्मच सोय सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच चीनी, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लें और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब 1 कप पानी डाल लेंगे और मसाला थिक होने तक पकाएंगे। अब तैयार सोय चंक्स को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हो गया वीगन चिली चिकन तैयार। इस वीगन चिकन में आम चिकन की तरह अनहेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस वीगन चिकन से मिलता है आयरन, कैल्शियम और 53% प्रोटीन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए आप पीपल फार्म वीगन किचन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।